नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है और तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी यानी कि कल होना है। वहीं राज्य में इटावा एक बड़ी सियासी तस्वीर देखने को मिली है, जिसमें 5 साल बाद मुलायम सिंह यादव, एसपी चीफ अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव एक साथ दिखे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है और ऐसे में सभी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं इटावा की करहल सीट पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इसके प्रचार के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। आज आपने इटावा देख लिया है, पूरी के पूरा इटावा सड़कों पर आ गया है। पूरा इटावा भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहता है और यहाँ सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के 85 जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। नेता जी भी आज आए हैं और साथ में हैं, आप कितना इम्पैक्ट होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, जब से हम लोग एक हो गए हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, और जब से गठबंधन में एक हो गए तब से पूरे उत्तर प्रदेश में लहर आ गई और यह परिवर्तन की लहर पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर। वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करें तो शिवपाल और अखिलेश कभी सियासी मंच पर एक साथ नहीं दिखे और इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी भी करते रहे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव सपा के टिकट पर ही चुनाव जीते थे और 5 तक वह सपा के ही सदस्य के तौर पर विधानसभा में बैठते रहे, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया था। हालांकि इस दौरान सपा ने उनकी सदस्यता को बर्खास्त करने की अपील की थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के दखल के बाद सपा ने अपनी मांग विधानसभा अध्यक्ष से वापस ले ली थी। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव करहल समेत राज्य के कई जिलों में सपा के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह परिवार में विवाद के बाद 2016 में अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया था और इसके बाद शिवपाल ने अपनी खुद की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि पीएसपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही, लेकिन उसने करीब 5 सीटों पर सपा को नुकसान पहुंचाया और लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद महज 5 ही सीट जीत सकी। काफी अरसे के बाद पहली बार इटावा में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों ने न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि एक दूसरे को स्वीकार भी किया। अखिलेश यादव ने कहा, चाचा की वापसी आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की ताकत को मजबूत करेगी और यूपी चुनाव में बीजेपी को मिलकर चुनाव हराएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के समाजवादी विजय रथ की शुरुआत इटावा के लुआन सफारी से की और इसमें अखिलेश यादव के साथ ही शिवपाल और मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। वहीं मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे के लिए करहल के मंच से जनसभा को भी संबोधित किया और समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील भी की। साबित हो रही है कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि आज हमारे आपके बीच उनके दिमाग में है कि देखिए मुलायम सिंह क्या कहते हैं। तो मैंने कह दिया आपको, किसान, नौजवान और व्यापारी इन तीनों को मिलकर के ही देश का विकास कर सकते हैं। व्यापारी ये तीन है, किसान है,
अब यहाँ तक आपके सामने योजना है, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिले और नहीं नौकरी देते हैं तो उसको रोजगार मिलेगी, बना दिया आपसे मदद की जाए सरकार की तरफ से तो नौजवान आगे बढ़ेगा और व्यापारियों को जो लाभ होंगे तो व्यापारी किसान की पैदावार को अच्छी से खरीदेंगे और किसानों को लाभ पहुँचेंगे। इसे व्यापारी का सुझाया किसान नौजवान और व्यापारी ये तीन ही मिलकर देश को विकास करेंगे और सारे देश के अंदर बहुत एक ऐसा है विचार है कि क्या करें, क्या करें, जनता का क्या करें, ये सारे लोगों में आज किसी भी दल के हों कोई भी हो तो सबके सब ये सारी चिंता है, खुशी है कि सही किसान जनसभा उम्मीद की शाखा है, उनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा समाजवादी पार्टी करेगी और मैं विश्वास करता हूँ और सरकार ये खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है, नौजवान जो है नौजवान जो खड़ा है तो पार्टी में उसको भी लाखों लोग नौजवान हैं, इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने, कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर है अमेरिका क्या कर रहा है और उनके साथ साथ दूसरे देश उनकी पूरी जगह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है, तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और ताजा ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है, ये आज मुझे ये खुशी है और उसी का प्रभाव है, भीड़ है चारों सपने को अच्छा लोगों की भीड़ है, क्यों भीड़ है, उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं सोचते उन्हें देखे मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे, समाजवादी पार्टी इस पर चली गई है, किसान नौजवान और व्यापारी ये तीनों वर्ग के देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज वही रूप आए हैं मामूली बात नहीं है, कहीं होती नहीं और लाखों लोग हैं, इसीलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं और मैं विश्वास करता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी किसानों की पैदावार किसान नौजवान और व्यापारियों को विकास करेगी समाजवादी पार्टी और यही मैं आपका चाहता हूँ, मुझे तो मेरी जिम्मेदारी बह गई है, इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ तो आपकी जो उम्मीद है जो आपकी इच्छा जो समस्या है समस्या को समा करके और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूजन पूरा करेगी और मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं कर्तव्य बैठक बनाएंगे पार्टी के लोग कहेंगे रोज में सभी बड़ी विश्वास हुआ लाखों लोग आए उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, हम आपको ग्राह सही करेंगे बाकी खेता हो खेती वाले लोग करेंगे जहाज भी जब देंगे लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेच नहीं था ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो, किसान व्यापारी और नौजवान ये तीनों को मिल करके एक मजबूत है और ये घर किसी के पास है केवल समाजवादी पार्टी के पास है, याद रखना तीन किसान नौजवान
होने पाए रोज करना सब यही मिल करके करेंगे। मुझे विश्वास है वह इस पूरे माहौल को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि चाचा को न चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली नरक पे बैठने के लिए। फोटो में मुलायम सिंह यादव कुर्सी पर बैठे जनता का अभिवादन कर रहे हैं और उनके बगल में अखिलेश एक कुर्सी के हत्थे पर बैठे हैं, जबकि शिवपाल मुलायम की कुर्सी के पीछे चुपचाप खड़े हैं। आगे स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, वैसे भतीजे को भी 10 मार्च को अपनी सीटें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, केकेडी न्यूज़। इस खबर पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केकेडी न्यूज़।